जस्टिस रोड़ी आयोग द्वारा न्यायिक जाति को ओबीसी के आरक्षण का 75% लाभ मिलने की रिपोर्ट को गलत ठहराते हुए जन नायक कपूरी ठाकुर सेवा समिति के सदस्यों ने शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर उन्हें अपनी मांग संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित किया। समिति के सदस्यों का कहना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जस्टिस रोहिणी आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने न्यायिक जाति सहित ओबीसी के सभी जातियों का सर्वे किया। सर्वे करने के पश्चात गलत रिपोर्ट सौंपी गई, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक कोटे में 75% लाभ यादव, कुर्मी, साहू और नाई जाति को दर्शाया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि नाई जाति को कोटे में 75% का लाभ नहीं मिला है। ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान समिति के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा, देवेंद्र शर्मा, प्रेमलता शर्मा, सीमा शर्मा, अनिल शर्मा सहित समिति के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए योगेंद्र शर्मा ने कहा, दिनों रोहिणी आयोग एक बनाया गया था, उसने कहा कि 75% नाई समाज के लोगों ने अपना अधिकार पा लिया है आरक्षण का। जबकि मैं रोहिणी आयोग से पूछना चाहता हूं कि अगर 75% आरक्षण अगर नाई बिरादरी के लोग पा गए हैं, तो मैं राजनीतिक रूप से पूछना चाहता हूं कि नाई समाज के कोई एमपी, एमएलए, विधायक और खोजने प्रधान नहीं मिलता। शैक्षणिक रूप से अगर मैं पूछना चाहता हूं, तो आज कोई आईपीएस, आईएएस, पीसीएस कोई नहीं मिलने वाला है। और आर्थिक रूप से मैं अगर पूछता हूं, तो आर्थिक रूप से किसी पास 2 एकड़ ज़मीन नाई के पास नहीं है। सामाजिक रूप से आज भी नाई समाज के लोगों साथ जाति सूचक शब्दों के आधार पर उनको बुलाया जाता। मेरा मांग यह है कि रोहिणी कमेटी ने जो गलत रिपोर्ट दी है सरकार को कि नाई समाज ने 75% आरक्षण पा गया, उसका फिर से सरकार फिर से नाई समाज का जमीनी स्तर पे उसका करवावे, सर्वे करवावे। और यही हमारा मांग है। इसी मांग को लेकर हम प्रधानमंत्री, हाँ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए हैं।